है फ्रेंड्स, मैं संपदा कुलकर्णी आपका स्वागत करती हूँ मेरे चैनल टिकटॉक्स में। इस वीडियो सीरीज में हम देख रहे हैं बाइनरी सर्च ट्री, जिसमें अब तक हमने देखा है उसका इंट्रोडक्शन, रिप्रेजेंटेशन एंड डिफरेंट ऑपरेशंस, वो मैंने इलेबोरेट भी किए हुए हैं, क्रिएट एंड इंसर्ट ऑपरेशन, सर्च ऑपरेशन, डिलीट ऑपरेशन, डिस्प्ले ऑपरेशन एंड सो ऑन। तो इस वीडियो में मैं आपको एडवांटेजेस एंड एप्लीकेशंस ऑफ बाइनरी सर्च ट्री बता रही हूँ। अगर अब तक आपने मेरे चैनल टेकटॉक्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल रिंगिंग रखिए। ये हुए बाइनरी सर्च ट्री के कैरेक्टरिस्टिक्स, वो आपको अभी पता है। तो चलो स्टार्ट करते हैं एडवांटेजेस ऑफ बाइनरी सर्च ट्री। मेनली यहाँ पे मैंने तीन एडवांटेजेस दिखाए हुए हैं, जो कि है सबसे पहला, सर्चिंग इज वेरी इफिशियंट, वर्किंग इज ऑल्सो वेरी इफिशियंट एंड द लास्ट वन इज ऑपरेशंस दैट कैन बी परफॉर्म ऑन अ बाइनरी सर्च ट्री दे आर ऑल्सो इफिशियंट। सो ये आप मान लो यहाँ पे कि ये सारी चीज़ें जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है फॉर एनी ऑफ द डेटा स्ट्रक्चर, वो सारे इफिशियंटली परफॉर्म होते हैं बाइनरी सर्च ट्री पे। ये हो गए इसके एडवांटेजेस। इस स्लाइड पे मैं वो इलेबोरेट कर रही हूँ। इफिशियंट सर्चिंग माने क्या? आपको पता है बाइनरी सर्च ट्री, उसको ऑलरेडी सर्च ट्री ही बताया गया है क्योंकि इसमें सर्चिंग इज वेरी इफिशियंट। क्या होता है जब कि हमें कोई, वी हैव ऑल द नोड्स इन बीएसटी इन अ स्पेसिफिक ऑर्डर, करेक्ट? जबकि हम ट्रैवर्स करते हैं इन ऑर्डर में, वो स्पेसिफिक ऑर्डर में होता है, इसलिए सर्चिंग ऑफ अ पर्टिकुलर आइटम इज वेरी इफिशियंट एंड फास्टर। वो क्यों होता है? क्योंकि हमें एंटायर ट्री सर्च करने की जरूरत नहीं होती है, ऑल एलिमेंट्स कंपेयर करने की जरूरत नहीं होती है, जो कि प्रॉपर्टी है बाइनरी सर्च ट्री की, कि लेफ्ट सब ट्री के सारे नोड की वैल्यू रूट नोड से छोटी होती है और राइट सब ट्री के सारे नोड की वैल्यू रूट नोड से बड़ी होती है। ये प्रॉपर्टी हमें यूज करके कंपैरिजन बहुत इजी हो जाता है। और हमें क्या करना पड़ता है? हमें रूट नोड से कंपेयर करके करना स्टार्ट करना होता है और हमें डिसीजन लेना होता है कि जो कोई आइटम हमें सर्च करना है वो हमें लेफ्ट सब ट्री में सर्च करना है या राइट सब ट्री में। तो इससे हम क्या करते हैं, आइदर इन लेफ्ट सब ट्री और इन राइट सब ट्री से हम हाफ ट्री ही वहाँ पे सबसे पहले कंसिडर करते हैं और हाफ 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 होके हमारा सर्च जो होता है वो बहुत ज़्यादा इफिशियंट होता है। अभी नेक्स्ट वन है, वर्किंग इज इफिशियंट। अगर हम कंपेयर करते हैं एरे और लिंक लिस्ट से तो बाइनरी सर्च ट्री का वर्किंग भी बहुत ज़्यादा इफिशियंट होता है। जैसे कि हमने यहाँ पे देखा कि सर्च आइटम, सर्चिंग ऑफ एनी ऑफ द आइटम इन बाइनरी सर्च ट्री जो होता है वो बहुत ज़्यादा इफिशियंट होता है, इसलिए उसका परफॉर्मेंस जो होता है वो भी इम्प्रूव्ड परफॉर्मेंस होता है। जो कि कंपेयर किया जाए एरे और लिंक लिस्ट से तो हमें वहाँ पे कंपैरिजन जो करना होता है वो ऑल आइटम्स का कंपैरिजन करना होता है, वो भी सिक्वेंशियली कंपैरिजन करना होता है, जिसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बहुत ज़्यादा होता है, जो कि यहाँ पे बहुत कम होता है। और इफिशियंट सर्च एंड डिलीट ऑपरेशन, जैसे कि आपको पता है बाइनरी सर्च ट्री का प्रॉपर्टी हम फॉलो करके इंसर्शन और डिलीशन ऑपरेशन बहुत ज़्यादा इजीली परफॉर्म कर सकते हैं। हमें स्पेसिफिक लोकेशन आइडेंटिफाई कर सकते हैं यहाँ पे इन बाइनरी सर्च ट्री में, जिससे इंसर्शन एंड डिलीशन ऑपरेशन बहुत ज़्यादा फास्ट हो जाते हैं इन कंपैरिजन विथ लिंक लिस्ट एंड एरेज। अगर आपको लिंक लिस्ट एंड एरे के बारे में ज़्यादा जानकारी चाहिए तो आप मेरे चैनल पे सर्च कर सकते हो या मैं राइट अप कॉर्नर पे यहाँ पे शॉर्टकट लिंक दे रही हूँ। चलो देख लेते हैं अभी एप्लीकेशंस ऑफ बाइनरी ट्री। सो वन बाय वन एप्लीकेशन अभी हम देखते हैं। तो फर्स्ट एप्लीकेशन है, जहाँ तक कि मल्टी लेवल इंडेक्सिंग का सवाल है डेटाबेस एप्लीकेशन में, वो हम ट्री डेटा स्ट्रक्चर से, बाइनरी ट्री डेटा स्ट्रक्चर से इजीली इंप्लीमेंट कर सकते हैं। अभी डिक्शनरी, आप लोगों को डिक्शनरी पता है, तो अगर डिक्शनरी लाइक एनी डेटा स्ट्रक्चर आपको और एनी डेटा आपको ऑर्गेनाइज करना है तो आपको ट्री डेटा स्ट्रक्चर से बेहतर डेटा स्ट्रक्चर कोई नहीं मिलेगा।
सर्चिंग एल्गोरिदम जो होते हैं वो इफिशियंटली वर्क करने के लिए हमें स्पेसिफिकली बाइनरी सर्च ट्री जो है वो हम यूज करते हैं। और जहाँ पे सॉर्टेड लिस्ट एज इनपुट रिक्वायरमेंट होता है वहाँ पे भी बाइनरी सर्च ट्री का ही यूज होता है। और अगर एक्सप्रेशन ट्री हमें इवेल्युएट करना है, कंस्ट्रक्ट करना है, तो उसके लिए भी हम बाइनरी ट्री यूज करते हैं। तो ये हो गए एप्लीकेशंस ऑफ बाइनरी ट्री डेटा स्ट्रक्चर। सो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर लिसनिंग एंड वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको इस वीडियो के कंटेंट अच्छे लगते हैं तो कमेंट देना ना भूलिए, लाइक करना ना भूलिए, शेयर करना ना भूलिए। यहाँ पे मैं आपको सब्सक्रिप्शन लिंक प्रोवाइड कर रही हूँ, अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। इस वीडियो सीरीज का प्लेलिस्ट भी मैं यहाँ पे प्रोवाइड कर रही हूँ। तो थैंक यू फ्रेंड्स, हैप्पी लर्निंग, हैप्पी डेटा स्ट्रक्चरिंग, थैंक यू।